खबर रसाबलिया से, जहां मां प्रभावती ग्रामीण प्राइवेट आईटीआई रोहना रसाबलिया में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों को टेबलेट वितरण। मुख्य अतिथि सांसद राज्यसभा नीरज शेखर एवं विशिष्ट अतिथि अश्वनी तिवारी पूर्व प्रवक्ता द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित व माल्यार्पण कर किया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बीच चित्र पर माल्यार्पण किया गया। विद्यालय के वर्कशॉप में कुल 29 प्रशिक्षणार्थियों को टेबलेट वितरित किया गया। टेबलेट प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों में अजित कुमार यादव, अमर कनौजिया, अर्जुन मौर्या, अश्विनी कुमार यादव, अविनाश कुमार सिंह इत्यादि शामिल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेमचंद सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता विधानसभा रक्षा एवं संचालन प्रदीप कुमार यादव, शिक्षक नेता द्वारा किया गया। उपस्थित गणों में गोपाल सिंह, पूर्व प्रधान हरेंद्र यादव, पूर्व प्रधान राजेश कुमार, हर्षदेव प्रदेश उपाध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश, उपेंद्र सिंह सचिव राष्ट्र नायक, चंद्रशेखर मैराथन समेत जीतन सिंह गुड्डू इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था के संरक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सभी अतिथियों का धन्यवाद किया गया। मुझे विश्वास है कि बच्चे आज इस टैबलेट को पा रहे हैं, वो पाकर आने वाले समय में बलिया का नाम जरूर रोशन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर। मैं फिर से धर्मेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं पहली बार विद्यालय डालने का मौका मिला, मैंने कई आईटीआई देखे हैं कि सही बोला, यहाँ की स्वच्छता, यहाँ के सफाई सबसे पहले कहीं जाते हैं किसी भी प्रतिष्ठान में, तो व्यक्ति यही देखता है कि सफाई कैसी है। मुझे बहुत खुशी है, बलिया में कम देखने को मिलता है, लेकिन इस विद्यालय में यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट भी रखे हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ जो छात्र जिनको आज मिल रहा है किस लाइन से कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आईटीआई एक बहुत ऐसा कार्यक्रम शुरू हुआ कुछ सालों पहले, तो मानता हूँ इसकी जरूरत बहुत पहले से थी। आज ऐसी प्रतिभाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं मानता हूँ कि कोरोना काल के बाद नौकरी बहुत मुश्किल हो गई हो, लेकिन आज की आप लोगों की आवश्यकता न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी है, जो अलग अलग लाइन से जाकर काम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे पिछड़े इलाके में धर्मेंद्र जी ने आईटीआई खोला, और अभी 12-13 साल हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के बच्चे जो निकले हैं वो अच्छी जगह काम कर रहे हैं। मुझे आपके जो साथ में यहाँ पर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, और फिर से न केवल आपकी बल्कि